ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं श्रावण स्पेशल मंगला गौरी व्रत की कथा, जो मंगलवार के व्रत में सुनी जाती है श्रावण माह में। तो भक्तों, कमेंट में हमें ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भक्तों, आइए अब हम श्रवण करते हैं श्री मंगला गौरी व्रत की प्राचीन कथा। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखी से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और वह खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उस व्यापारी को एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं रहते थे। रात और दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे और बहुत पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें पुत्र का वरदान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उसके जन्म के समय ज्योतिषों ने कहा कि वह अल्प आयु में और 16 साल का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद पति पत्नी और भी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ही अपना और पुत्र का भाग मान लिया। उन्होंने 16 साल की उम्र से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। इस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से मंगला गौरी व्रत किया और माँ गौरी की पूजा अर्चना की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सेठ के पुत्र की मृत्यु टल गई। तभी से मंगला गौरी व्रत की मान्यता अधिक बढ़ गई। तो भक्तों, इस प्रकार है माँ मंगला गौरी व्रत की कथा। जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, माँ मंगला गौरी की कृपा से उसके सभी मनोरथ दूर हो जाते हैं। बोलिए माँ मंगला गौरी मैया की जय।